Hello, good morning, Standard 11. And today, Tuesday, 20 July 2021. And we are going to enjoy together poem, The Laburnum Top, written and composed by Ted Hughes. Yes, dears, I have told you many times before that it is very important to remember poet's name, poet's or writer's name, because you will be asked questions related, the thing related to the name of the poet and author and writer. आपको इसी से related questions पूछे जाएंगे जिसमें आपको नाम mention करना होता है. So before enjoying the poem, let's focus some word meanings related to the poem. ये आपका वर्ड मीनिंग जरा दे विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड द पोएम. ये पोएम को समझने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे. देखिए लेबर्नम है ना, हमारी पोएम का नाम है लेबर्नम टॉप. तो ए शॉर्ट ट्री विद येलो फ्लावर्स, समझे ना, पीले फूला वाला छोटा सा पेड़, साइलेंट, मोशनलेस, क्वाइट कम्प्लीटली, यानी पूरी तरह से, और स्टिल फिर वही मोशनलेस, और फॉलन, विदर्ड मीन्स जैसे किसी पेड़ से कोई चीज़ें अलग, जैसे पत्ती वगैरह गिर जाती है, वहाँ ये विदर्ड ये वर्ब यूज़ की जाती है. तो ड्रॉप्ड. एंड गोल्डफिंच, ए बर्ड विद येलो विंग्स, एक ऐसा पक्षी जो पीले पंखों का है ना, और वह ट्विचिंग आकर बैठ जाता है, यानी सडन यानी अचानक. और स्टार्टल ये आपको पता होगा, सरप्राइज हैरानी, टेकन अबैक पूरा हैरान है ना, पूरी हैरानी वहाँ छा जाती है. और स्लीक यानी सॉफ्ट, एकदम ग्लोसी, एकदम सॉफ्ट, शाइनी सा, चिकना, चमकीला, ग्लोसी. और अलर्ट तो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्शियस है, एकदम अलर्ट, एकदम केयरफुल, एकदम कॉशियस. एंड एब्रप्ट वही है सडन जो पहले था. और ट्रिमर, शेकिंग, ट्रिमर करना यानी शेकिंग करना, शिवरिंग करना, कांपना. तो एक बार ध्यान दे देना है आपको सारी वर्ड मीनिंग्स पर. सो स्टार्ट करते हैं, बिफोर इट एक बार फिर से नज़र मार लेते हैं. एनीवे वी हैव सीन इट, हमने देख तो लिया ही है. फिर भी लेबर्नम, ए शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स, एक ऐसा पेड़ होता है जो बहुत शॉर्ट होता है, ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, उसके हैंगिंग ब्रांचेस लटकी हुई शाखाएं होती हैं, पीले फ्लावर्स होते हैं और पीले पत्ते भी होते हैं, इसमें जिक्र नहीं किया. और उसके जो सीड होते हैं वो बहुत पॉइजनस जहरीले होते हैं बीज. गोल्डफिंच, ये दो मेन करेक्टर हैं पोएम के. ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फीदर्स ऑन इट्स विंग्स, ये छोटा सा पक्षी होता है, छोटी सी चिड़िया है, इसके पीले पंख है ना, पीले पंखों में जैसे फर पंख होते हैं ना उड़ने के, उन पंखों में जो फर होते हैं वो भी फीदर्स, वो छोटे छोटे पंख, वो पीले कलर के होते हैं. पीले पीला ही पेड़ है, पीला ही पक्षी है, देखते हैं क्या होता है. सो लेट्स बिगिन द पोएम. द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोविंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन. एक लेबर्नम टॉप, टॉप यहाँ क्यों कहा है, टॉप किसे कहते हैं, द हाइस्ट पीक, द हाइस्ट थिंग ऑफ एनी बॉडी, या मतलब किसी चीज, जो किसी चीज़ का सबसे ऊपर का जो होता है टॉप उसे कहते हैं. जैसे आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो आप सबसे हाइस्ट फ्लोर पर रहते हैं तो आप क्या कहिएगा, टॉप फ्लोर पर रहते हैं, है ना. तो एक पेड़ का जो टॉप हुआ, सबसे ऊँची उसकी चोटी, सबसे ऊँची पीक. तो लेबर्नम एक पेड़ है, मैंने अभी आपको बताया, जिसके पीले पत्ते और पीले ही फूल होते हैं और बीज जहरीले होते हैं. तो उस लेबर्नम पेड़ के टॉप, सबसे ऊपर के शीर्ष पर, वो जो है बिल्कुल साइलेंट है और क्वाइट स्टिल है, उसमें कोई गति नहीं है. लेबर्नम का पेड़ है, उसका टॉप बिल्कुल साइलेंट है, कोई गति नहीं, एकदम सन्नाटा है. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, सेप्टेम्बर की दोपहर को धूप बहुत निकल रही है, सनलाइट है ना, जिसमें उसके जो येलो जो उसके लीव्स हैं, उसकी पत्तियां हैं, वो बहुत चमक रही है, शाइनिंग कर रही है धूप में.
अ फ्यू लीव्स येलोविंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन, उसकी कुछ पत्तियाँ येलो हो चुकी हैं, है ना। अ फ्यू यानी कुछ पत्तियाँ येलो हो चुकी हैं, फूल तो सारे पीले ही हैं और सारे के सारे बीज उसके झड़ चुके हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, सारे बीज झड़ चुके हैं। तो दोबारा देखिएगा, इट इज़ ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन, है ना, इट इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। ये पोएम का छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले दिया है कि वास्तव में घटनाक्रम पर क्या चल रहा है, वहाँ है क्या, जिसके बारे में हम अभी आपको पोएम सुनाने जा रहे हैं। तो वहाँ क्या है, एक लैबेंडम का पेड़ है, उसके टॉप का जो सबसे ऊपर का सीड्स है वो बिल्कुल साइलेंट है, वहाँ कोई गति नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है, और उसके जो पत्तियाँ हैं या फूल हैं पीले कलर के हैं, और वे सेप्टेम्बर की सनलाइट की दोपहर में पूरी तरह से एकदम शाइनिंग कर रहे हैं, चमक रहे हैं। उसकी कुछ पत्तियाँ पीली पड़ चुकी हैं और उसके सारे फूल झड़ चुके हैं। इससे आपको क्या पता चलता है कि जो मतलब वेदर है वो ऑटम का है, ऑटम समझते हैं ना, जिसमें सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ जैसे कहते हैं, तो पतझड़ का मौसम है, ये आपको ध्यान देना है। ओके, अब सेकंड स्टंजा, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप ए सडननेस स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड। फिर क्या होता है, गोल्ड फिंच वहाँ आती है, गोल्ड फिंच भी मैंने अभी बताया था एक पक्षी है छोटा सा पीले पंखों वाला, तो वहाँ गोल्ड फिंच आता है, एक पक्षी एक चिड़िया आती है विद अ ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग यानी अभी हमने मीनिंग देखा था सडन होता है, सडन चिरप यानी उसके बोलने के बाद चिरपिंग यानी चहचहाएं। तो एक अचानक से चहचहाती हुई एक चिड़िया वहाँ आती है, ए सडननेस स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, और उस ब्रांच के एंड पर यानी उस पेड़ की शाखा के बिल्कुल लास्ट के शीर्ष पर, है ना, ऊपर की चोटी पर क्या होता है, एक सडननेस अचानक से एक स्टार्टलमेंट हो जाता है, एक हैरानी सी छा जाती है, सब लोग देखते हैं कि अभी तो बिल्कुल शांत पड़ा था और अभी तो कितना एकदम से चहचहाट, अचानक से वो चिड़िया चहचहाट करती आती है, तो अचानक से वहाँ शोर शराबा हो जाता है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ सडननेस स्टार्टलमेंट लिखा है, है ना। अब आगे देखते हैं, देन स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट सी एंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप। क्या होता है, देन स्लीक एज ए लिजर्ड, स्लीक मैंने अभी नीचे मीनिंग दिखाया था आपको स्लीक का, स्मूथ है ना, स्मूथ यानी बिल्कुल चिकना, एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम सा, किसकी तरह, वह पक्षी एकदम मुलायम है, किसकी तरह, ए लिजर्ड की तरह, एक छिपकली की तरह, बिल्कुल मुलायम और चिकना है, और अलर्ट भी है, अलर्ट यानी एकदम कॉशियस है, एकदम कॉन्शियस है, कॉशियस है, ये दो अलग अलग मीनिंग है बेटा, कॉशियस एंड कॉन्शियस, है ना, कॉशियस कहते हैं एकदम सावधान को, कॉन्शियस भी सचेत सावधान, एकदम होशपूर्ण। तो अलर्ट है चिड़िया और एब्रप्ट है, एब्रप्ट यानी सडन, जैसे आपने देखा है ना कि चिड़िया, जब छोटी चिड़िया आपने देखा होगा तो वो अचानक से सडन बार बार गर्दन इधर झटके से इधर इधर ऊपर नीचे इस तरह से हिलाती रहती है ना गर्दन, तो उसे एब्रप्ट कहते हैं, एकदम चौकन्नी है, एकदम एकदम कॉन्शियस है, चारों तरफ देखती है झटके से बार बार इधर उधर उधर, तो उस तरह कर रही है। सी एंटर्स द थिकनेस, थिकनेस कैसे कहा है, घना डेंसिटी, जहाँ डेंसिटी है, जहाँ पत्तों की डेंसिटी है, पत्ते हैं भाई आधे तो पत्ते जड़े हैं, सारे तो नहीं जड़े ना, तो हाँ बीज सारे जड़ गए हैं, तो जहाँ पे पत्तों की शाखाओं की डेंसिटी है तो वहाँ उसका घोंसला है, आपने देखा होगा पता होगा चिड़िया घोंसला कहाँ बनाती है, पेड़ पर, पेड़ के किस हिस्से में बनाएगी, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ भीड़ भाड़ वाला, जहाँ पे कोई दूसरा पक्षी कौवा या बाज या दूसरे जो पक्षी खाते हैं बच्चों को उनके अंडों को, वो जल्दी से ना घुस सके, तो ऐसी थिकनेस में वह एंटर कर जाती है, है ना, तो वह घुस जाती है वहाँ उस थिकनेस में, और फिर क्या होता है, एंड मशीन स्टार्ट्स अप, फिर एक मशीन से स्टार्ट हो जाती है, किस चीज़ की, उनके बोलने की, है ना, उनके पंखों की फड़फड़ाने की, जो उसके बच्चे बैठे हैं जिनको वह फीड कराने आई है, तो एकदम से उस पेड़ में मशीन से स्टार्ट हो जाती है, आप समझते हैं ना, एकदम से हिलना कप कपी सी शुरू हो जाती है पेड़ पर, और आवाज़ चें चें करने लग जाते हैं बच्चे चिड़िया और पंखों की आवाज़, तो कहते हैं कि एक मशीन से स्टार्ट हो जाती है, पोएट कहते हैं, ओप चिटरिंग एंड ए ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स। क्या कहते हैं, इन्होंने भी बताया कि मशीन से स्टार्ट हो जाती है ना, मशीन स्टार्ट किस चीज़ की, ओफ चिटरिंग्स यानी उसकी आवाज़ की, उसके चहचहाने की, एंड ए ट्रिमर ऑफ विंग्स और उसके पंखों की फड़फड़ाने की, है ना, ट्रिमर यानी कप कप यानी फड़फड़ाहट, पंखों की फड़फड़ाने की, उसकी आवाज़ की, एंड ट्रिलिंग्स की, ट्रिलिंग्स यानी ट्रांसपेरेंट, जो कि दिखाई देता है,
उस पेड़ में आसपास क्या दिखाई देता है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। वहाँ क्या दिखाई देता है कि जो पूरा पेड़ है, द होल ट्री है, वो ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, वो कांपने लग जाता है, हिलने लग जाता है और थ्रिल्स यानी रोमांच से भर जाता है। तो एक बार दोबारा देखते हैं इस पूरे स्टैंजा की, कि एक गोल्ड फिंच वहाँ आती है। उससे पहले तो इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही है कि एक लेबेंडम ट्री था, बिल्कुल शांत था। तो क्या होता है, एक गोल्ड फिंच वहाँ आती है। अभी आप शायद आवाज़ सुन रहे होंगे पीछे चिड़िया की, ये देखिए है ना। तो इस तरह से ही वह चिड़िया आती है और फिर क्या होता है, अपने पंखों को वह ट्विच करती हुई आती है, यानी अचानक से चहचहाट करती हुई चिड़िया आती है। और एक सडननेस, एक अचानक से वहाँ स्टार्टलमेंट छा जाता है। सब लोग देखकर हैरान से हो जाते हैं उस ब्रांच के एंड पर। फिर क्या होता है, फिर पोएट बताते हैं कि वह पक्षी, फिर जो पोएट का नाम है टेड ह्यूज, वो बताते हैं कि वह पक्षी क्या करता है, वह छिपकली की तरह चिकना सा है ना, अलर्ट है और अब्रप्ट है, इधर उधर बिल्कुल अचानक से देखता है। फिर वह क्या करता है, घुस जाता है अंदर। भाई घना है पेड़ पौधे, जो उसकी जो टहनियाँ हैं बहुत घनी है, हर कोई तुम्हारा घुस नहीं सकता, लेकिन वह इतनी चिकनी है जितनी की छिपकली होती है, वह घुस जाती है उस थिकनेस में से। और उसके थिकनेस में अंदर जाते ही, घोंसले में जाते ही, एक मशीन से स्टार्ट हो जाती है किस चीज़ की, चहचहाट की, उनके पंखों की फटफटाहट की, है ना। और क्या देखते हैं आसपास जो पोएट हैं टेड ह्यूज, वो देखते हैं कि वहाँ एक थ्रिल, एक रोमांस छा जाता है पूरे पेड़ पर। सो नेक्स्ट स्टैंजा, इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली, सी स्टॉक्स इट फुल, देन फ्लड्स आउट द ब्रांच एंड शोविंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क। सी स्ट्रोक्स इट फुल, इट इज़ द इंजन ऑफ योर फैमिली, वह अपने परिवार का इंजन है। इंजन का काम आपको पता है क्या होता है, गाड़ी को चलाना, है ना। तो वह अपने परिवार का इंजन है, अपने परिवार को गति देती है, उनको फीड कराती है, ठीक है। वह अपने परिवार का इंजन है और वह इसको भरती है, स्ट्रोक्स यानी जैसे किसी गाड़ी वगैरह में कोयले डालते हैं ना, टू फिल अप एनी टाइप लाइक फ्यूल्स, है ना, इन टू ए कार और इन टू ए ट्रेन वगैरह। तो किसी ट्रेन वगैरह में जो है फ्यूल्स भरना, कोयला वगैरह भरना, तो स्टोक्स होता है उसका मीनिंग। तो सी स्टोक्स इट फुल, वह अपने परिवार को भरती है ना, उनका भरण पोषण करती है, अपने परिवार के लिए इंजन है। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर क्या होता है, वह चिड़िया वहाँ से फ्लड्स आउट हो जाती है, वहाँ से उड़ जाती है और कहाँ जाके बैठ जाती है, फ्लड आउट टू ए ब्रांच एंड, उस पेड़ की एक शाखा के एंड पर, है ना, उस पेड़ की जो एक शाखा है उसके सबसे अंतिम सिरे पर जाकर, अपने घोंसले से निकलकर वहाँ जाकर बैठ जाती है। क्या करती है, शोविंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, अपनी पहचान का एक मास्क। ये सुना ना आवाज आपने, ये बोल रही है हमारी, ये कौन बोल रही है, यही तो गोल्ड फिंच है। ये देखिए इसका लेसन चल रहा है, तो ये बोलना स्टार्ट कर दिया। तो वह अपनी पहचान का एक मास्क, एक बैड, बैड यानी एक पट्टी दिखाती हुई उड़ जाती है। पट्टी यानी भाई वो जो पक्षी है पूरा पीला है, उसकी सारी बॉडी जो है पीली है, लेकिन उसके सर पर एक ब्लैक निशान होता है, आपने देखा होगा, आप सर्च करना गोल्डफिंच को गूगल पे। तो उसकी जो सर पर एक पहचान के लिए, यानी पीले ही तो पत्ते हैं, पीले ही फूल है, पीला ही वो पक्षी है, तो कोई पहचान नहीं है कि वो कब बैठ रहा, कब उड़ रहा, लेकिन एक पहचान है, क्या है, उसके सिर पर एक काला निशान है ना, एक बैड फेस है, उसका बैड फेस है, यानी एक पट्टी है उसके फेस पर, है ना, बैड मीन्स पट्टी, काली पट्टी। तो अपने चेहरे पर एक काली पट्टी की एक पहचान दिखाते हुए वह उड़कर कहाँ जाकर बैठ जाती है, उसी पेड़ के दूसरे एक टहनी के कोने पर, एक सिरे पर। देन विद इरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट। फिर क्या होता है, विद इरी डेलिकेट, है ना, इरी यानी अद्भुत यानी वंडरफुल, अपने वंडरफुल से डेलिकेट यानी बहुत सॉफ्ट, नाजुक से, अपने अद्भुत से, वंडरफुल, नाजुक से, विसल चिरप, अपनी चिरप की सीटी बजाते हुए और विस्परिंग करते हुए यानी बिल्कुल धीरे धीरे बोलते हुए क्या होता है, सी लॉन्च अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट यानी बिल्कुल अनंत की तरफ उड़ जाती है, अनंत यानी आकाश, आसमान, लॉन्च अवे उड़ जाती है। फिर क्या होता है, अपने अद्भुत और नाजुक से सीटियों को, यानी अपनी चिरपिंग की सीटी, वो जब चह चह करती है ऐसी सीटी सी बजाती हुई और कभी धीरे धीरे बोलती हुई, वह चिड़िया अनंत आकाश की तरफ उड़कर चले जाती है, क्या करने, अपने बच्चों के लिए फीड एकत्रित करने, है ना, फीड कलेक्ट करने के लिए। एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और लेबर्नम का जो पेड़ है वो फिर से क्या हो जाता है बेटा,
एम्प्टी हो जाता है, सबसाइड्स मतलब बिकम हो जाता है एंड द लेबरनम बिकम्स एम्प्टी, है ना, सबसाइड्स टू एम्प्टी, फिर वह लेबरनम का पेड़ एक बार फिर खाली सा हो जाता है। तो पूरे पोएम का एक बार इसका सिनॉप्सिस देखेंगे, मैं बताऊंगा कि एक पेड़ है लेबरनम का, उसका सिरा है वहाँ पर एक, वो बिल्कुल शांत खड़ा है, बिल्कुल उसमें कोई हलचल नहीं, वहाँ एक चिड़िया आती है गोल्डफिंच जिसका नाम है, वह आकर अपने पंखों को हिलाती है, एक हैरानी से छा जाती है पूरे पेड़ पर कि अभी तो शांत पड़ा था इतने में इतनी आवाज़, उसके बच्चे भी आवाज़ करते हैं, फिर वह छिपकली की तरह चिकनी है, फिर वह अपनी उस थिकनेस में घुस जाती है जहाँ पर उसका घोंसला है, और फिर एक मशीन से स्टार्ट हो जाती है उसके बच्चों की आवाज़ की, उसकी आवाज़ की, उसके पंखों की आवाज़, फिर पूरे पेड़ पर एक रोमांच सा, एक मस्ती से छा जाती है। उसके बाद क्या होता है बताते हैं पोएट जिसका नाम टेड ह्यूज़ है, वे बताते हैं कि यह जो जो चिड़िया है अपने अपने परिवार के लिए फीड लेकर आती है, खाना लेकर आती है उनको फीडअप करने के लिए, यह अपने परिवार का इंजन है, वह अपने परिवार को फुल करती है, जैसे कोई गाड़ी को चलाने के लिए उसे पेट्रोल डालता है तो यही अपने अपने परिवार को फुल करती है, ठीक है, उनका जीवन यापन करने के लिए। और फिर वह चिड़िया उनको खाना खिलाकर, जो खाना वह बाहर से लेकर आती है, फिर वह क्या करती है उड़कर, एकदम नहीं जाती उड़कर, फिर उसी पेड़ की एक टहनी की सबसे एंड पर बैठ जाती है, फिर बैठ के इधर तो देखती है, फिर अपने चेहरे का मास्क, अपने चेहरे की एक निशान, एक काली पट्टी अपने सिर पर दिखाते हुए उड़ जाती है। और फिर क्या होता है, फिर अपने अद्भुत सी सीटी, उसकी सीटी बहुत अद्भुत है, बहुत ही कोमल सी है, जो आवाज़ चैं चैं करती है, सीटी सी जो अभी दे रही थी हमारे पीछे बैठी हुई एक गोल्डफिंच, तो इस तरह अपनी एक अद्भुत सीटी बजाते हुए धीरे धीरे बोलती हुई वह लंच से भी कर जाती है टूवर्ड्स द इन्फिनिट, है ना, अपने एक अनंत आकाश में फिर वह उड़ जाती है, फिर वह दिखाई नहीं देती। उसके बाद जो पेड़ था फिर वैसा ही हो जाता है जैसा वह था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल गंभीर, बिना किसी हलचल के। तो बच्चे आपको तीन चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले तो उस पेड़ की स्थिति क्या थी, बिल्कुल साइलेंट थी, स्टिल थी, फिर बीच में क्या हो गया, वह रोमांच से भर गया और उसमें थ्रिल्स आ गई, मतलब एक मशीन से स्टार्ट हो गई। फिर यहाँ कंपैरिजन किया है पोएट ने किसका, उस गोल्डफिंच का कंपैरिजन किया है मशीन के साथ, क्यों, क्योंकि मशीन की तरह है, वहाँ एक आवाज़ स्टार्ट कर देती है, पूरे पेड़ को कपा देती है आवाज़ से और पंखों की फड़फड़ाहट से। और तीसरा क्या है, वह पेड़ फिर से वैसा का वैसा ही हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एंड होता है पोएम का, इसे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपको कल भेज चुका हूँ, और कुछ आज जो बुक में है, जो यूनिट एंड क्वेश्चंस होते हैं वो आज भेजता हूँ, और ध्यान से उनको स्टडी करना है और ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोएम ऑन योर ओन वे, मे बी हो सकता है आप कुछ डिफरेंट मीनिंग निकाल सकते हो मेरे से भी, क्योंकि पोएम जो है पोएट की जो कल्पना होती है, पोएट के जज्बात होते हैं कवि के, तो जितने लोग इस पोएम को पढ़ेंगे सब अलग अलग ही अपने ढंग से सोचेंगे। तो आप इनको अपने जीवन से, अपने जीवन की जो इंसिडेंट्स है उनसे भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आता है तो आप भी रोमांच से भर जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, लेकिन जब वह जाता है फिर आप वैसे ही हो जाते हो जैसे आप पहले थे। वेल, आप किसी भी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ यू।